मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामनिवास रावत प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें मिठाई खिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया था। बीजेपी का अभिन्न अंग बनकर उन्होंने अथक मेहनत और प्रयास किया। बीडी शर्मा ने रामनिवास रावत को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग बन करके उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अथक मेहनत और परिश्रम किया। मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीट की जीत का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आज आदरणीय रामनिवास रावत जी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का आज कैबिनेट के मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई है महामहिम राज्यपाल जी ने, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुँचाना उनका लक्ष्य होगा। देखिए, क्षेत्र का विकास तो विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास लगातार चलता रहता है। मेरी प्राथमिकताएं होंगी सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार बढ़ाना, छोटे छोटे रोडों को गांवों में जोड़ना, गांवों से जोड़ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। नरेंद्र मोदी जी के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे और कुपोषण जैसी चीज को पूरी तरह से मिटाने का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।